हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जाएंगे क्राबी से फुकेत और मैं आपको दिखाऊंगा फुकेत में हम क्या क्या कर सकते हैं और क्राबी से फुकेत कैसे जाएं। तो गाइस, द बेस्ट ऑप्शन इज़ टू गो टेक अ फेरी। आउनोंग से आप फेरी लो, सीधा आप फुकेत जा सकते हो 700 बाथ में। तो यहाँ पर आपको प्राइजेस लिखे हैं सारे, तो आप पॉज करके सारे प्राइजेस देख सकते हो। तो यूजुअली क्या होता है, क्राबी से लोग डायरेक्ट फुकेत नहीं जाते हैं, वो जाते हैं फीफी आइलैंड पे, और वो एक दिन फीफी आइलैंड पे रुकेंगे, फिर वहाँ से वो जाएंगे फुकेत। तो गाइज़ यू कैन ट्राई दैट एज़ वेल। ऑल्सो गाइज़, ये है ब्रोशर, ये है सेवन आइलैंड सनसेट का ब्रोशर, तो आप इसके थ्रू जा सकते हो, सेवन आइलैंड टूर कर सकते हो या फोर आइलैंड टूर कर सकते हो क्राबी से, विच आई वुड रिकमेंड। और इसमें देखो 1500 बाथ लिखा है प्राइस, तो ये प्राइस आप वहाँ पर जाके बारगेन कर सकते हो। तो 1500 का आपको 1100-1200, कभी कभी तो वो 1000 और 800 में भी आपको ये प्राइजेस में मिल जाएगा। जस्ट बारगेन एंड गेट इट। तो गाइज़, मेरा प्लान था कि मैं सुबह सुबह हाफ डे आइलैंड टूर कंप्लीट कर लूँ और फिर शाम की फेरी लेके फुकेत चले जाऊँ, बट मुझे लेट हो गया था सुबह उठने के लिए, तो वो प्लान नहीं एग्जीक्यूट हो पाया। तो हम आ चुके हैं अभी ब्रेकफास्ट करने के लिए यहाँ पे इंडियन रसोई में, और यहाँ पे बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं। आप जैसे दूर जाओगे ना बीच से, तो वहाँ पे वैसे जैसे जाओगे वहाँ पे प्राइजेस कम होते जाएंगे आपको। तो यहाँ पे बहुत सारा मार्केट भी है, सब कुछ मिल जाएगा। चलो अभी चलते हैं वापस हॉस्टल की तरफ। तो ये रहे बोट्स, यहाँ से आपको रेले बीच के लिए 20-20 बात में रिटर्न ट्रिप हो जाएगी। तो आप यहाँ से आप रेले बीच भी जा सकते हो, वहाँ से सनसेट देख सकते हो। और ये यहाँ पे ये देखो मच्छी का जो स्टैचू है, फिश स्टैचू, बहुत ही खूबसूरत है। तो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ हॉस्टल, और आज हॉस्टल में हाईलैंड हॉपिंग का एक्टिविटी है। तो ये देखो यहाँ पर इसका लिखा है कि रैले बीच, पोड़ा बीच, सब जगह जाएंगे ये लोग। हॉस्टल के थ्रू होता है 1000 बात में। तो गाइस मेरी कैब आ चुकी है, मैंने ली है शेयर्ड कैब, और ये मुझे फुकेत ले जाएंगे। तो आप देख सकते हो हम निकल पड़े हैं, बहुत ही सीनिक व्यू है। और आगे जैसे देख रहे हो यहाँ पे धूप आ रही है, बट आगे क्लाउड्स दिख रहे हैं बहुत, लगता है ज़ोरदार की बारिश आने वाली है। आप देख सकते हो सन कितना खूबसूरत है, और आगे ही देखो कितने खतरनाक क्लाउड्स बने रखे हैं, तो बारिश की संभावना लग रही है गाइस। तो गाइस ऐसे मैं बोल रहा था बारिश शुरू हो गई, अभी बहुत ही तेज़ बारिश हो रही है, और भैया भी थोड़ा धीरे चला रहे हैं अभी। और गाइस अभी हम आ चुके हैं यहाँ पर लंच करने, तो यहाँ पे देख सकते हो मेन्यू को हिंदी में लिखा हुआ है, तो यहाँ से हमने लंच करेंगे अभी, फिर आगे चलते हैं। तो खाने में बहुत सारी चीज़ें हैं, बट मुझे इतनी भूख लग नहीं रही थी, तो मैं सिर्फ मैंने मेन्यू देखा, क्योंकि मैंने उठा लेट था, लंच मेरा ब्रेकफास्ट भी लेट ही हुआ था, ऑलमोस्ट 12 बजे मैंने ब्रेकफास्ट किया था। तो ये देख सकते हो यहाँ पे ऑमलेट जो है, फ्राई अंडा 20 बाथ का है। तो चलो गाइस लंच टाइम हो चुका है, अभी चलते हैं आगे। अभी अब रोड से जाएंगे तो बहुत टाइम लगता है, इसलिए मैंने सजेस्ट किया था कि फेरी से जाना है। फेरी में थोड़ा प्राइस ज़्यादा है, 700 है, रोड का 500 है, बट रोड से जाओगे तो 5-6 घंटे लग जाएंगे, और फेरी से सिर्फ 2 घंटे में आप पहुँच सकते हो। तो आई थिंक इट्स बेस्ट टू टेक अ फेरी, प्राइस का ज़्यादा मत देखिए, इट्स नॉट अ डिफरेंस, ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं, प्लस फेरी में अच्छा एंजॉय भी कर सकते हैं आप, सीनिक व्यूज़ रहेंगे। तो गाइस आप देख सकते हो हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं, ये ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं अभी, तो यहाँ से आगे जाएंगे तो फुकेत स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइस हम पहुँच चुके हैं फुकेत। तो गाइस देर आर मेनी थिंग्स इन टू डू इन फुकेत, लेट मी शेयर दैट विद यू। तो फर्स्ट थिंग रहेगा बिग बुद्धा स्टैचू है, डॉल्फिन एक वाटर पार्क है जहाँ पर डॉल्फिन का शो होता है, फिर ओल्ड टाउन है, बहुत ही ब्यूटीफुल टाउन है। तो यहाँ पर आप क्लूक से हाफ डे या फुल डे टूर ले सकते हो, और क्लूक में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, लेट मी शेयर दैट विद यू। तो गाइस देख सकते हो आप फर्स्ट वाला जो है फुकेत डॉल्फिन शो है, तो ये मस्ट वॉच एक्टिविटी है। अगर आपको ऐसे डांस शोज देखना है, कार्ब्रे देखना है, तो आप वो भी ले सकते हो, बट आई वुड नॉट सजेस्ट ऐसे चीज़ों में पैसे वेस्ट करने के लिए। फिर लाइकवाइज आप यहाँ पे ATV राइड कर सकते हो, और सबसे बेस्ट रहेगा टाइगर के साथ फ़ोटो निकलवाना है तो टाइगर पार्क भी जा सकते हैं यहाँ पे फुकेत में, पटाया में भी होता है टाइगर टूर। और यहाँ पर है फुकेत में, ये है हाफ डे टूर होता है, जैसे बिग बुद्धा है, वाटफोंग टेम्पल है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पे, तो इट्स बेस्ट टू टेक दैट टूर्स। तो हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे ओल्ड टाउन, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, ब्यूटीफुल चीज़ें हैं गाइस ओल्ड टाउन में। और ये जैसे कि गोवा में है पैरा रोड, वैसे यहाँ पे ना बहुत सारा कलरफुल चीज़ें हैं। तो गाइस हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे फुकेत, फुकेत में पटोंग स्ट्रीट में मैंने हॉस्टल बुक करा है, तो अभी हम जाएंगे वहाँ पर चेक इन करेंगे। तो यहाँ हम पहुँच चुके हैं, ये रहा हमारा हॉस्टल, तो हम यहाँ पर चेक इन करेंगे। ये है बेर पैकर हॉस्टल।
तो गाइस वैसे सनसेट होने वाला था, मैंने क्विकली ना मैंने बैग यहाँ पर रखे, बाहर आ चुका सामने ही, यू नो ये जो है बीच है यहाँ पे पटोंग बीच, तो सनसेट देखने हम आ चुके हैं यहाँ पर। काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है सनसेट। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो पैराशूट की जो पैरासेलिंग एक्टिविटी चल रही है, बट ये ना कुछ फनी दिखी मुझे, क्योंकि यहाँ पर जो नॉर्मली होता है वैसे नहीं था। ये आप देख सकते हो कैसे ये भाग के उड़ने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से ना सी से ये उड़ते हैं। वो देखो बिना किसी के गियर के वो पीछे जो बंदा है वो चढ़ पड़ा है इसके ऊपर, और वो ऐसे ही फिर लैंड भी हो जाएगा। आ चुके हैं, चलते चलते देख रहे हैं सब कुछ। तो स्ट्रीट फूड पे खाना अच्छा मिल जाएगा, कम में मिल जाएगा, और ये सब तो आइलैंड टूर्स है, तो आइलैंड टूर्स के बारे में भी आपको बोलता हूँ एक इम्पोर्टेंट बात। तो उसमें रेट लिखा होगा 3,000-4,000 ऐसे, बट वो ना 1,000 या 1,400 से मिल जाना चाहिए आप लोग को, वो यूनिट रहेगा उसका वन डे टूर का प्राइस। सो डू आस्क फॉर लेसर प्राइस, बताओ कि आपने पहले कर चुके हो ऐसे बताओ, तो कम में मिल जाएगा। तो गाइज़ ये रहे यहाँ के टुक टुक, बहुत ही लाउड होते हैं क्योंकि उसमें हमेशा म्यूज़िक चलता रहता है। और हम यहाँ पर आ चुके हैं शावरमा खाने के लिए, तो मैंने शावरमा ऑर्डर किया हूँ यहाँ पर, और मैं शावरमा खाते ही निकल पड़ा। और यहाँ पे देख सकते हो आप पूरे ही वीड के शॉप्स है, तो ये सभी चलते रहता है यहाँ पर पूरा टाइम, वीड मसाज और यू नो क्लब्स है सारे। तो गाइज़ ये है पैनकेक की शॉप, यहाँ पर पैनकेक्स मिलते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, आप देख सकते हो यहाँ पर मेन्यू। और चलो मैं आगे चलता हूँ, तो मैं पहुँच चुका हूँ यहाँ पे पटोंग बीच, तो ये है वॉकिंग स्ट्रीट पटोंग की। तो सेम एज़ पटाया बैंकॉक में जैसे वॉकिंग स्ट्रीट थी, यहाँ पर भी सेम टू सेम वैसे ही है, तो सभी यू नो पब्स एंड ऑल है, तो ये सब है यहाँ पर। तो ऐसे ऐसे आगे चलता हूँ मैं, आपको दिखाता हूँ आपको, बहुत ही क्राउडेड है यहाँ पर एरिया, और तो सब लोग ऐसे ज़बरदस्ती खींच के से बुलाते हैं आपको, चलो इधर चलो उधर चलो, मुझे तो जाना नहीं था। ये देखो स्कॉर्पियन राइड, स्कॉर्पियन से वो जो कि मुझे खाना नहीं है। तो यहाँ पे देखो लोग कैसे बैठ के पता नहीं क्या ही देख रहे हैं, वो रश को इतना कभी देखते नहीं है लगता है। तो गाइस यहाँ इधर इतना ही है और कुछ है नहीं, बस पार्टी वार्टी करना है तो आपको यहाँ पर आ सकते हैं करने के लिए। तो गाइस अभी चलते हैं वापस। तो मैंने ना पूरा घूमा वॉकिंग करके, वॉकिंग स्ट्रीट में एक्सप्लोर किया सारा कुछ, और फिर अभी मैं चलता हूँ वापस बीच के साइड, और मुझे भी जाना है वापस अपने हॉस्टल में, क्योंकि मुझे ना थोड़े ब्लॉग्स भी बनाना है। तो अभी मैं चलता हूँ वापस, चलो देखते हैं क्या क्या है यहाँ पर। तो ये देख सकते हो टुक टुक की बड़ी, काफ़ी बड़ी लाइन लगी है यहाँ पर, और खाने के लिए ऑप्शंस भी देख सकते हो अब यहाँ पे, जैसे ना ये सी फूड मिल रहा है, तो आप यहाँ से लाइव अपना खाना चुन सकते हो और वो खाने को बना के, ये देखो बड़ा ही लॉबस्टर है यहाँ पर, तो वो अपना खाना इस पर यू नो खाना बना के देंगे आपको, आप जो भी सेलेक्ट करना है यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो और उस पर वो आपको खाना बना देंगे। तो ऐसे कुछ सिस्टम है यहाँ पर। यहाँ पर देखो डिफरेंट डिफरेंट फिश भी है, तो वो सब है जिसको जैसी मर्ज़ी। यहाँ पे वेजिटेरियन ऑप्शंस भी है, देखो आइसक्रीम बना रहा है यहाँ पे ये, और ये देखो वेजिटेरियन ऑप्शन से आप उनको उठा के देंगे तो वो बना देंगे आपको। ये देखो स्क्विड है, ऑक्टोपस है, तो ये सब सारा मिलता है गाइस यहाँ पर, एलिगेटर क्रोकोडाइल भी मिलती है। तो गाइस आज के लिए इतना ही है, तो मैं ना पहले ग्रॉसरी स्टोर जाके थोड़ा कुछ खाने के लिए लूँगा मेरे लिए। तो ये देखो ग्रॉसरी स्टोर से मैंने ये सब आइटम्स लिए है, पानी खरीदा हूँ। आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।